उम्मती के लिए उम्र भर अश्क अपना बहाए नबी उम्मती के लिए उम्र भर अश्क अपना मौजा सामईन यकीन यानी है कि जनाब हजरत मौलाना सोहराब साहब कलकत्तवी ने जो कुछ भी रसूलुल्लाह के मेहमान के लिए और मदरसे के लिए लिया है, अल्लाह ताला से मैं भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला जिन लोगों ने इसमें शिरकत की 100 से लेके 15,000 तक या 50,000 तक, अल्लाह ताला सब जायद मकासिद में इन लोगों की भरपूर मदद अता फरमाए, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए, जो हजरात नहीं दे सके अल्लाह ताला इनकी बरकत से उनकी भी परेशानी को दूर अता फरमाए। थोक में अगर कोई एक पीस कटा हो तो चल जाता है मेरे दोस्तों, इस तमाम चीजों की बरकत से अल्लाह आप लोगों के वालिदैन की भी मगफरत फरमाए, जिनकी वालिदा जिंदगी में दुनिया में है अल्लाह ताला उनकी खिदमत करने वाला हम लोगों को बना दे। बहुत यकीन जानिए ये तजुर्बे की बात है कि जो हजरत सदका करता है या कहीं देता है वो हॉस्पिटल में नहीं देता, और जो हजरत हॉस्पिटल में देने का हुनर रखते हैं खुदा के घर में नहीं देना जानते हैं वो हॉस्पिटल में बड़ी तादाद में देते हैं। इसलिए दुआ किया करें कि कुछ ना कुछ हिस्सा हमारे दोस्त हुआ करते हैं पटना में, हम रहते हैं राजधानी में और फुलवारी शरीफ में मेरे एक दोस्त होते हैं शहनवाज खान बिल्डर है और आधा से ज्यादा पटना में मैं समझता हूं। राबिया मरहुमा ने 1,000 रुपया दिया तो ज्यादातर बिल्डर वहां बहुत है, लेकिन मेरे दोस्तों बिल्डरी की दुनिया में जाते हैं जमीन की दुनिया में जाते हैं जो बिल्डरी का काम करते हैं उसमें 90% लोग आपको 420 मिल जाएंगे, लेकिन शहनवाज खान एक ऐसा तन्हा आदमी जिन पे एक फ्रॉड का केस नहीं है किसी ने आज तक मशकूक नजरों से नहीं देखा और इतनी दौलत तो सर्वत से अल्लाह ने नवाजा उनको। मैंने तरक्की का सबब पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि हबीबी साहब रोज रोजाना की जो आमदनी है उसमें से एक हिस्सा मैं खुदा के राह में रखा हूं, मेरा पार्टनरशिप खुदा कौन बर्बाद कर सकता है मेरे कारोबार। आप 50,000 की पूंजी लगाइए, 500 रुपया रोजाना आप खुदा के नाम पे निकाल देते हैं तो मेरे दोस्तों आपका पार्टनरशिप खुदा हो गया, आपके कारोबार में बरकत मिलेगी इंशाल्लाह, नाकामी नहीं मिल सकती। अल्लाह ताला सबके देने को कबूल फरमाए। कोई जरूरी नहीं कि माइक से ऐलान हो, आप ये तसलसल को जारी रखें, यहाँ पे असातिज़ा बैठे हैं और देखते रहे, इजाजत दे तो चंद शेर पढ़ दो और शमशेर जहां लगनवी बैठ कर बार बार पहलू बदल रहे, कभी इधर तड़प रहे कभी उधर तड़प रहे कि मेरा नंबर कब आएगा, थोड़ा सा लह के सुभान अल्लाह बोलिएगा इंशाल्लाह उनकी दुआ कबूल हो जाएगी। शेर देखें मेरे दोस्तों के मिली थी जो सहाबा से वो ताबानी नहीं जाती, जिन्हें समझ में आ जाए वो बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। मिली थी जो सहाबा से वो ताबानी नहीं जाती, नबी की राह पे चलते तो सुल्तानी नहीं। आए हाय हाय बोले बोले लहके सुभान अल्लाह। देखिए आप शेर समझ में आए तो वाह वाह कीजिए, नहीं समझ में आए तो हाय हाय कीजिए, कुछ कीजिएगा तब समझ में आएगा। शेर देखे मिली थी जो सहाबा से वो ताबानी नहीं जाती, नबी की राह पे चलते तो सुल्तानी नहीं जाती, हरे शबे मेराज के लम्हों को 1400 बरस गुजरे अभी तक अकल इंसानी से हैरानी नहीं। शबे मेराज के लम्हों को 1400 बरस गुजरे अभी तक अकल इंसानी से हैरानी नहीं जाती, खानकाही जिनका मिजाज है और जिनका ताल्लुक अल्लाह वालों से है कसम खुदा के शेर पे आपकी दुआएं आएंगी। तसव्वुफ के शेर कहिए मैं पढ़ रहा हूँ, देखे मेरे दोस्तों मिली थी जो सहाबा से वो ताबानी नहीं जाती, नबी की राह पे चलते तो सुल्तानी नहीं जाती, दुरूद पाक पढ़ने से बदल जाती है तकदीरें।
जी माशाल्लाह हाफिज वकारी रूहुल्लाह साहब माशाल्लाह जनाब हजरत मौलाना हनीफ साहब के चश्मो चराग है, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। नाम भी रूहुल्लाह, इन्होंने बेटा का नाम रखा जियाउल्लाह रजाउल्लाह। माशाल्लाह कमाल है भाई, कमाल है, नाम अल्लाह अल्लाह से जुड़ा हुआ है। अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए और इस घराने को खूब इसी तरह से अल्लाह ताला इस घराने से दीन का काम लेता रहे। मेरे जो मिली थी जो सहाबा वो ताबानी नहीं जाती, नबी के राह पे चलते तो सुल्तानी नहीं जाती, दुरूद पाक पढ़ने से बदल जाती है तकदीरें। ये किसने कह दिया तुमसे कि परेशानी नहीं जाता? बहुत बहुत पाक पढ़ने से बदल जाती है तकदीरें। शुक्रिया, जजाक जजाक। माशाल्लाह कारी अब्दुल मतीन साहब ने कहा कि मैं भी निजामत करता हूं, अल्लाह ताला आपको सिकंड मुजाहिद हसनैन हबीबी बना, और इसमें ऐलान किया 500 रुपया भी दे रहे, लेकिन पैसा नहीं। हां हो गया, इतना ही पढ़े तो काफी। हाँ 5000 रुपया दिए हैं, किनके नाम? कहां लिखा होगा सीधे नाम? हाँ, अपने नाना नानी के नाम से दिए हैं, जितने भी महरूमीन इनके घर से गए हैं तमाम के लिए दुआ के लिए दिए हैं नाजिम साहब ने। अल्लाह ताला इनके निजामत में और पुख्तगी अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिली थी जो सहाबा से वो ताबानी। एक मदहे सहाबा के शेर पढ़ने के मूड हो गए हैं, हालांकि मैं मुरादाबाद अमरोहा सहारनपुर देवबंद में पढ़ता हूँ, लेकिन उससे कमजोर मेरी सामाई नहीं है कि जो नहीं समझेगा इंशाल्लाह असतजा की दुआ मिलेगी। एकदम एक नए मौजूद को छूने की कोशिश, और एक शेर देखे मेरे दोस्तों कि हरफ कुरान हदीसों में नेहा है फारूक। शेर सुनिएगा मेरा, मजा ले लीजिएगा थोड़ा सा। हरफे कुरान है हदीसों में नेहा है फारूक, मसनद दीने मोहम्मद का निशान है फारूक। क्या कहने भाई, मसनद दीने मोहम्मद का क्या यार, मधे सहाबा के शेर सुन, मोहम्मद का निशान है फारूक। और एक शेर सुन लीजिएगा मेरे दोस्तों के, मसनद दीने मोहम्मद का निशान है फारूक। आज मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए, क्या कहते हैं, आज मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए अदल है अदालत ने कहा है सुभान अल्लाह। बड़े शेर पे बड़ा शायर उठ के आ गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अदल हैरा है आज मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए, अदल हैरा है अदालत में कहा है फारूक। ये शेर सुनाना था इसलिए मैंने आपका वक्त ले लिया। अदल हैरा अदालत में कहा है फारूक, मुलतवी कर दिया मैंने यूं फलस्तीन का सफर। मुलतवी कर दिया मैंने यूं फलस्तीन का सफर, मस्जिद अक्सा ये पूछेगी कहां है फारूक। अरे वाह 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 वाह, कर दिया क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। ये है मुजाहिद हसनैन बीबी, माशाल्लाह। सारा इनाम एक तरफ और हाफिज वकारी रूहुल्लाह साहब का ये इनाम एक तरफ। इन्होंने खुशबू देकर ये बता दिया कि मुजाहिद हबीबी इसी खुशबू की तरह आप पूरी दुनिया में महकते रहे। हजरत मुसाफा कर ले अब मुजाहिद भाई, बहुत अच्छा मूड बना दिया है आप वो पानी वाला भी जरूर, इतना अच्छा माहौल हो गया, लोग सुन रहे हैं वो पानी वाला भी। मौलाना मसीह सिराजी साहब, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या क्या शाह खाली साहब ने पानी वाला शेर कहा, वाकतन में बहुत मकबूल तरीन शेर उस्ताद शायर का है, लेकिन अंदाजे हबीबी में सुने मेरे दोस्तों। अदालत में कहा शेर देखे मेरे दोस्तों, एकदम इबादत जैसी लज्जत न मिले तो मुजाहिद हसनैन हबीबी यही निजामत को इस्तीफा देगा। शेर देखे मेरे दोस्तों के, नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, कसम खुदा की आदमी जब तहज्जुद पढ़ता है शायद, और तहज्जुद के बाद जब खुदा से बात होती है और दाढ़ी जब आंसुओं से भीगता है तब शेर ऐसा होता है कि नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी,
लगा के कौसरो तस्नीम बन गया पानी। शेर देख लिया नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्नीम बन गया पानी। इलाही ऐसा कभी खादी में हो जाता, हुजूर करते वजू और मैं डालता पानी। इलाही ऐसा कभी खादी में हो जाता, इलाही ऐसा कभी खादी में हो जाता, हुजूर करते वजू और मैं डालता पानी। वजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद, नसीर पीजा ये मेरा बचा हुआ पानी। क्या कहने, नसीर पीजा ये मेरा बचा हुआ पानी। वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सलामत इनको रखे, यकीन जानिए जिसकी शक्ल शबाहत भी देखने के काबिल नहीं, जिसको चलने का ढंग नहीं मालूम, मुजाहिद हबीब उसको जलसा चलाने का ढंग अगर कोई दे देता है तो वो जात खुदा की। और ये नाते रसूल का सबसा है। मैं भी जब पढ़ रहा था मदरसे में तो सोचा कि पता नहीं कोई अपनी बेटी भी इनायत करेगा कि नहीं। बाद में वाली साहब इतना परेशान हो गए, ऐसे ऐसे घर से रिश्ता आके पड़ा हुआ था कि मैं भी हैरान था। रहने वाला सीतामढ़ी का शादी हो जाती है मुंबई में, बाप रे इतना लंबा। उसके बाद में हमारे सालियों ने कहना शुरू किया, जो चचेरी थी ममेरी थी, तो मेरी बीवी से कहा कि तुम्हारा शोहर तो लंगड़ा है। मेरी बीवी ने बड़ा माकूल जवाब दिया, वो जवाब अगर आप तक पहुंच जाए तो दुआएं चाहता हूं। मेरी बीवी ने कहा कि तुम अपनी नजर से देखती हो तो लंगड़ा समझ में आता है, कभी मेरी नजर से देखो। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी नजर से देखूंगी तो क्या वो सीधा नजर आएगा? का सीधा नहीं नजर आएगा, लेकिन अलबत्ता यह है कि मेरी नजर से जो देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मुजाहिद हबीबी लंगड़ा के नहीं, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। कमाल है, कमाल है, क्या बात, शुक्रिया जज़ाक अल्लाह। लहरा का जवाब नहीं है। बाद में मैंने कहा कि अगर औरतों का स्टेज पे जाना जायज होता तो मेरे बाद निजामत का होता तुम्हारे पास होता। क्या बात, अल्लाह कमाल सलामत रखे आप सबको भी मेरे दोस्तों, आपके चेहरे पे। और ये हकीकत का जुमला था जो जिस पे आप हंस पड़े। और एक बात, कभी कभी हकीकत जिंदगी में ऐसी आ जाती है कि लोग वो चुटकीला बन के रह जाता है। जैसे ताबिश रेहान का नाम सुने आप, ताबिश रेहान 2014 के उनके घर एक बेटी पैदा हुई, तो उन्होंने अकीका में दावत दिया कि आपको आना है मेरे घर में, अल्लाह ने एक रहमत बेटी अता की है। मैं गया, बड़ी खुशी हुई, दावत खाया। खाने के बाद पता चला, सुबह जैसे हुई तो मुल्क के अंदर पूरे टेलीविजन पे चलने लगा कि नरेंद्र मोदी जी की पूरी फुल फेमस से सरकार 2014 में बन। उसके बाद क्या हुआ, 4-5 साल के बाद 2019 में फिर ताबिश भाई ने दावत दी, तब कहा कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया, मैं खाना खा लिया, फिर मोदी जी की सरकार आ गई। अल्लाह अल्लाह, ये तो अजीब मामला। तो फिर मैंने ताबिश साहब को बुलाया, ताबिश के वाइफ को पीछे खड़ा किया, पर्दे में बेचारी खड़ी हुई थी। मैंने कहा खुदा के वास्ते एक अपील करना चाहता हूँ, मुझे दो बार बुलाकर आपने अकीका खिलाया, खुशी हुई, लेकिन उससे बड़ा सदमा यह हुआ कि दोनों आदमी आप दूरी अख्तियार कीजिए, इसी तरह तसलसल जारी रहा तो बीजेपी की सरकार बार बार बार, इसलिए दूर रहने में भलाई। हालांकि ये हकीकत है, कभी ताबिश से पूछेंगे तो वो बताएं, लेकिन ये हो गया चुटकीला। बहुत अच्छे मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा जवाब, चार मिसरे नाते रसूल के पढ़ के सीधे शमशेर जहानागंज को आपके हवाले के दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे। आए हाय, दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे बड़े बड़े देखे। अरे आजा भाई, जो बीमार उठ नहीं सकता वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। अजब है, जो बीमार उठ नहीं सकता वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। मैं बड़े अदब के साथ जनाब शमशेर जहाना गजवी से गुजारिश कर रहा हूँ, वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामने को नवाज। हाजिरी ने महफिल, भैया पीटर थोड़ा वैल्यूम बढ़ा दीजिए इसका, माइक आपका बहुत अच्छा है, वैल्यूम बढ़ा दीजिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आवाज लग चुकी है। आइए हाजिरी, बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं आप, मगर थोड़ा सा कंजूसी के साथ काम कर रहे हैं,
थोड़ा सा हाथ हो तो उठाते हैं तो मजा आता है पढ़ने पढ़ाने का, वरना अपना अपना क्या है पढ़कर बैठ जाएंगे, मगर थोड़ा सा जब मजमा जाता है तब मजा आता है। और इस वक्त 12 बजने वाला है और आपकी आंखें बंद मुंह बड़े हो रहे हैं, तो सोच रहा हूँ थोड़ा सा जगाने की कोशिश कर दूं। चार मिसरे पेश करता हूँ हालात हाजरा के हवाले से। कुछ लोग कहते हैं जी कुछ लोग कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान नहीं, हमारे मदारिस जो है कि गलतफहमियों का शिकार हुए हैं। पेश करता हूँ चार मिसरे बतौर खास मुलाजा करने, अगर सच्चा हो, अगर मैंने सच्ची बात कही हो तो आपके पूरे पूरी दुआएं चाहूंगा, पूरे मजमे की तारीफ चाहूंगा। मतलब पेश करता हूँ मुलाजा करने कि हमने अपने खून से तर्ज़े हिंद संवारा है। चार मिसरे पेश करता हूँ, कलमा इकराम के लिए तशरीफ फरमा है, पेश करता हूँ दुआएं चाहता हूँ मुलाजा करने कि हमने अपने खून से तर्ज़े हिंद संवारा है। हमने अपने खून से तर्ज़े हिंद संवारा है। क्या पूछते हो हमसे लोगों, क्या पूछते हो हमसे लोगों, क्या हिंदुस्तान तुम्हारा है। अगर अगर मेरी बात पहुंच जाए बतौर खास मुलाजा कर ले कि हमने अपने खून से तर्ज़े हिंद संवारा है। क्या पूछते हो हमसे लोगों, क्या हिंदुस्तान तुम्हारा है। क्या पूछते हो हमसे लोगों, क्या हिंदुस्तान तुम्हारा है। कि ये ताजमहल ये लाल किला, ये ताजमहल ये लाल किला, हंस हंस के गवाही देते हैं। ये ताजमहल ये लाल किला, ये ताजमहल ये लाल किला, हंस हंस के गवाही देते हैं। जितना ये मुल्क तुम्हारा है, जितना ये मुल्क तुम्हारा है, उतना ये मुल्क उतना ये मुल्क हमारा है। वाह शमशेर जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि जितना ये मुल्क तुम्हारा है, उतना ये मुल्क हमारा है। एक पुतला दो शेर हालात हाजरा के हवाले से पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा कर ले कि मुसलसल जुल्म गाया जा रहा। खास मुलाजा करें कि सजा आई है ये सच बोलने की। हरि भाई सहीगा कि सजा आई है ये सच बोलने इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे सभी को। एक शेर और पेश करता हूँ, थोड़ा फासले से पढ़ो। हाँ मुंह से थोड़ा फासला रखो, मैं समझ में नहीं आ रहा आप को। समझ में आ रहा है भाई, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए ना, मैं दूरी से पढ़ता हूँ, थोड़ा माइक आपका खींच नहीं रहा है आवाज। पेश करता हूँ एक शेर और पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा कर ले कि अदालत और मुंसिफ में फंसा
माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे, मुझे भी अजीज ने नवाजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए निकला एक शेर हाजिर करता हूँ बहुत तेजी के साथ साथ, तो एक खास समाज फरमाए कीजिए मौजिज़ा सरकारे, ये मौजिज़ा सरकारे दो आलम का निराला है। मुकद्दर पे करे नाज हलीमा तू, क्यों गए न मुकद्दर पे सबसे खूबसूरत शेर हाजिर करता हूं मेरे खास मुरादा करे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुझे भोजपुरी कलाम करना है, उसके लिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं थोड़ा सा। एक शेर पेश करता हूं कि फिर हम वहीं जाके गरगाब हुआ, मौलाना रूहुल्लाह साहब के वाले साहब की तशरीफ फरमा है, पेश करता हूं इनके हवाले से बतौर खास समाज फरमाया कि जिसने भी नहीं मानी बातें मेरे आकी कि जिसने भी नहीं मानी शख्स का
से काला है। भोजपुरी कलाम का एक मतला और एक शेर हजरत कियामत हुई पेश करता हूं। एक मतला एक शेर बतौर खास मुलाजा कर लें जाइए भाई। मतला हां इंशाल्लाह हां हां कि जियारा तड़पे ना। अरे वाह क्या बात। पेश करता हूं मुलाजा कर लें कि जियारा तड़पे ना पुरवा बयरिया मां कि जियारा तड़पे ना जियारा तड़पे माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे अल्लाह सलामत रखे। पेश करता हूँ एक बंद पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें कि जिया लड़ड़ी पेला जिया लड़ड़ी पेला पुरवा बयरिया मा जिया लड़ड़ी पेला पुरवा बयरिया मा कहिया बहु जब हम कहबा नगरिया मा। और भाई 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 पहला बंद पेश करता हूँ बतौर खास समाज फरमाए कि कहिया बहु जब हम तैबा नगरिया माँ कितन को सुकून आही मिलल है आका कितन को सुकून आही मिलल है आका दर्शन बदे तोरे तड़पे लजियारा दर्शन बदे तोरे तड़पे लजियारा अब बोलैला अब बोलैया तू अपनी दुवरिया माँ अब बोलैया तू अपनी दुवरिया माँ कहिया बहु जब हम तैबा नगरिया माँ कहिया बहु जब हम तैबा नगरिया माँ। और ये भी शेर बड़े खास मुलाजा करें कि दाई है ही माँ तशरीफ ले आई लशाहे मुकर्रम तशरीफ ले आई लशाहे मुकर्रम तशरीफ ले आई लशाहे मुकर्रम नूरी ही क्या बात है भाई वाह सुभान अल्लाह। कौन सर सर पे टोपी हाथ में तस्बीह और जुबान से कहते थे। अच्छा 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 हां पहले सर सर टोपी वाला पढ़ा उसके बाद चुम लो। आइए बड़े भाई का हुक्म है उसको मैं टाल नहीं सकता। यहाँ सिर्फ टोपियाँ ही दिखाई दे रही हैं। पेश करता हूँ मतला बतौर खास मुलाजा करें। मतला नहीं है ये शेर उसको मैं मतला बनाकर पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा करें। कि सर पर टोपी हाथ में तस्बीह और ज़बां से मोहब्बतों को एक मतला
और दो बहुत तेजी के साथ पेश करता हूँ। उधर एक खासा मदरसा रूहुल उलूम, हमारे रूहुल भाई के नाम से ये मदरसा है, अल्लाह सलामत रखे। पेश करता हूँ मतलब इनकी फरमाइश है माइक ऑपरेटर साहब, इसमें थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा रिपीट दे दीजिए, क्योंकि इस कलाम को थोड़ा सा मैं जम के पढ़ना चाहता हूँ ताकि मुझे पढ़ने में भी मजा आए और आवरा सुनने में भी मजा आए। पेश करता हूँ बहुत खास मतलब पेश करता हूँ कि ये न पूछो कि क्या चूम लेंगे, पढ़ूं एक बार बदल के बोलिए सुभानअल्लाह, कि ये न पूछो कि क्या चूम लेंगे, ये न पूछो कि क्या चूम लेंगे, बाग जन्नत का नक्शा चूम लेंगे, बाग जन्नत का नक्शा चूम लेंगे, कि मरहबा सलेना। पेश करता हूँ कि मरहबा सलेना, आए महबूबे खुदा मरहबा सलेना, आए महबूबे खुदा को दुनी लेके उन्हें दिहली मान कहा, को दुनी लेके उन्हें दिहली मान कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कलाम का आखिरी शेर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। इस कलाम का आखिरी शेर हाजिर करता हूँ, बहुत ही प्यारा है, इंशाल्लाह आपको भी मजा आएगा। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा करने की, बोलो ज़हरा के ललन, बोले ज़हरा अब तो करो सुभान अल्लाह, कि बोले ज़हरा के ललन ऐ मेरे भाई हसन, आओ देखे तो जरा कहाँ है फख्र ज़मन, आओ देखे तो जरा कहाँ है फख्र ज़मन, बोले ज़हरा के ललन ऐ मेरे भाई हसन, बोले ज़हरा के ललन ऐ मेरे भाई हसन, आओ देखे तो जरा कहाँ है फख्र ज़मन, उनके जनाबे शमशेर जहाना गंजवी, एक मतलब एक शेर पेश करता हूँ कि अभी एक मैं शुरू में जब आया तो एक बच्चा पढ़ रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलिए खैर खैर मेरे भी कलाम बच्चे बच्चों की ज़बान पर आ गए, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा पढ़ रहा था वो बच्चा, पेश करता हूँ एक मतलब बतौर खास मुलाजा कर, कि मैं तड़प कर यहाँ मर न जाऊं, फरमाइश है उनका हुआ हुआ आपका प्रवेश करता हूँ बड़े खास मुलाजा करने कि मैं तड़प कर यहाँ, मैं तड़प कर यहाँ मर न जाऊं, मैं
अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी जिंदा बैठ जाए बैठ जाए दोस्त माशाल्लाह अल्लाह सलामत रख वाह 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 हबीबे उम्मत जनाब अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी की आमद माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह भाई पूरे स्टेज से मेरी गुजारिश है बैठ जाए भाई आप लोग बैठ जाए बैठ जाए अब्दुल्ला सालिम साहब को अभी बहुत बहुत दिनों से जिंदा रह रहा है इतनी ताजीद करके आप 70-80 साल के ना बना हुए हैं क्योंकि मेरे दोस्त मुझे हम लोगों का बड़ा नुकसान हो जाएगा लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है कि बैठ जाए अब्दुल्ला भाई आप ही के लिए आए हैं माशाल्लाह पेश करता हूं मुनाजा गले कि मैं तड़प गई यहां मर न किसी